26 जुलाई को राहुल गांधी जब उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में जूता सिलने वाले एक शख्स रामचेत से मिले तो सोशल मीडिया पर जनता दो धड़ों में बट गई। पहले वो लोग थे जो आम आदमी से इस तरह मिलने पर राहुल गांधी के अंदाज की तारीफ कर रहे थे, और दूसरे वो लोग थे जिनका कहना था कि राहुल गांधी जूता सिलने वाले एक शख्स से मिले लेकिन उस गरीब व्यक्ति की कोई मदद नहीं की। सोशल मीडिया पर ये चर्चाएं चल ही रही थी कि 27 जुलाई को खबर आई कि राहुल गांधी ने रामचेत के लिए एक तोहफा भिजवाया है। ये तोहफा था सिलाई मशीन का। 26 जुलाई को रामचेत से राहुल गांधी मिले और 27 जुलाई को उनके घर एक सिलाई मशीन पहुंच गई। स्वाभाविक था कि ये गिफ्ट देखकर रामचेत खुश हुए होंगे, सो हुआ भी वही। गिफ्ट के बारे में रामचेत ने क्या बताया, सुनिए। हमें बहुत खुशी मिली कि इतने बड़ी गिफ्ट हमें तत्काल मिल गई। जी, राहुल गांधी बहुत बड़ा हमारे साथ काम कर दिए। कल सुल्तानपुर की तरफ से आए, ऑटोमेटिक हमारी दुकान के सामने खड़े हो गए और हमारे पास आए। हमने उनसे हाथ मिलाया, उन बैठे यहाँ पे बैठ गए, हमसे पूछा भी नहीं बैठ गए। हमारे दुकान के विषय में जायजा लेने लगे कि ये जूता बनाते हो कि लाते हो। हमने कहा साहब अपने हाथ से बनाते हैं। ये बोले कि सिलाई कैसे करते हो। हम कहा कि साहब हम कूड़े भाड़ से सिलवा करके लाते हैं, यहाँ साइज का फिटिंग करके बेचते हैं। जिस वक्त वो आए उस वक्त हम चप्पल की सिलाई कर रहे थे जी। तो उसको रख करके हम उनके स्वागत में लग गए, वो बैठ गए, फिर हम चप्पल सिलने लगे। तो मेरी सिलाई देख करके बोले कि लाओ हम भी सिए देखते हैं। अब ये मशीन आ गया है, इससे आपको क्या रोजी रोजगार मिलेगी? अब इससे हमारा कई काम आगे बढ़ गया और जल्दी वाला काम जी। हम जो काम हम दोपहर सुबह से दोपहर तक एक जोड़ी बनाते थे, अब हम 10 जोड़ी बनाएंगे इस मशीन के जरिए। इसे हम पर्स बनाएंगे चमड़े का और स्कूली बैग बनाएंगे बच्चों का और चप्पल भी बनाएंगे और जूता भी बनाएंगे। अब हमारा कई काम देगा। लाइट तो है नहीं, यहाँ पे कैसे मशीन आप रखेंगे? लाइट हमारे बड़े लड़के के पास है, वहाँ पे मशीन रखेंगे। शाम सुबह बच्चे भी लगे रहेंगे जी। हाँ, वहाँ बनाएंगे, यहाँ वहाँ बना करके यहाँ लाएंगे, यहाँ बिक्री करेंगे। ये गिफ्ट आपको जब मिला कैसा लग रहा है? हमें बहुत बड़ी खुशी मिली कि इतनी जल्दी तत्काल इतनी महंगी गिफ्ट आ गई। और कुछ भी चाहते हैं राहुल गांधी से? धन चाहते हैं, धन के लिए वो बोले हैं कि हम मदद करेंगे। बगैर धन का हम पूंजी कैसे बढ़ाएं, कहाँ सामान लाएं? जो सामान लाएंगे तो बाहर से लाएंगे, जैसे चमड़ा हुआ, रिक्शीन हुआ, नट बोल्ट हुआ, टिकली जो होता है सब नगद पैसे से आएगा। ये चीज हमारे पास बहुत प्रॉब्लम है। गरीब आदमी जितना कमाते उतना खा जाते हैं। तो चाहेंगे कि आपको पूंजी भी दें। वो बोल के गए हैं कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। रामचेत ने उम्मीद नहीं की थी कि ये तोहफा उन्हें इतनी जल्दी मिल जाएगा, लेकिन रामचेत गिफ्ट लेकर सिर्फ रख लेने वालों में से नहीं है, उन्हें रिटर्न गिफ्ट भी देने आता है। और रामचेत ये बात भी जानते हैं कि तोहफा ऐसा दो जो काम आए, इसलिए उन्होंने ऐसा रिटर्न गिफ्ट दिया जो राहुल गांधी के काम आएगा। उन्होंने अपने हाथों से बनाकर राहुल गांधी को दो जोड़ी जूते भेजे हैं, वो भी अलग अलग साइज के। उनको हमने दो जोड़ी जूता अपने हाथ से अपनी दुकान पर बैठ करके तैयार करके, हमको खबर मिली थी 9 नंबर साइज लगता है, हमने उनके लिए दो जोड़ी जूता एक जैसे तैयार किया, एक 9 नंबर एक 10 नंबर। जो कसा पहनेगा तो उसे पहन लेंगे, ढीला पहनेगा उसे पहन लेंगे, दोनों एक जैसे है, दो साइज का बना के दिया अपने हाथों से। पैसा भी कुछ मिला मशीन के साथ? सब कुछ पैसा वैसा भी मिला क्या? मशीन के साथ कोई पैसा नहीं मिला, हमने जूता दिया, उन्होंने जूते की कीमत दी 3,000 रुपया। खुश हैं अब? हम बहुत खुश हैं। क्या चाहते हैं अब राहुल गांधी कहाँ जाए, किस रूप में उनको देखना चाहते हैं? राहुल गांधी से हमारा ये रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, इस लाइन से जब गुजरे एक रामचेत गरीब दुखिया से मुलाकात होती रहे, नमस्कार होता रहे, हमारा मांग है। इन दो जोड़ी जूतों की कीमत राहुल गांधी ने 3,000 रुपए दी, जो कि एक जायज कीमत की तरह लगती है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। रामचेत का कहना है कि अब वो जितनी देर में एक जोड़ी जूते बनाते हैं, अब उतनी ही देर में वो दो जोड़ी जूते बनाएंगे। हालांकि रामचेत को मशीन के साथ साथ पूंजी की भी दरकार है, इस पूंजी से वो अपना कारोबार आगे बढ़ाना चाहते हैं। अभी राहुल गांधी ने उन्हें ये पूंजी मुहैया नहीं करवाई है, मगर मशीन मिलने की रफ्तार से रामचेत को लगता है कि उन्हें वो पूंजी भी
जल्द ही मिल जाएगी। रामचेत अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर दुकान चलाते हैं। 26 जुलाई को राहुल गांधी एक केस के सिलसिले में सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पहुंचे थे। ये केस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मानहानि से जुड़ा हुआ था। सुनवाई के बाद राहुल गांधी अयोध्या प्रयागराज हाईवे से होते हुए दिल्ली के लिए रवाना हुए। हाईवे पर कुरेभार थाना क्षेत्र के विधायक नगर चौराहे के पास उन्होंने अपना काफिला रुकवाया। इसके बाद वो गाड़ी से उतरकर सड़क किनारे एक मोची की दुकान पर जाकर बैठ गए। ये रामचेत की दुकान थी। राहुल ने वहाँ रामचेत के बगल में बैठकर उनका हालचाल जाना, रोजगार के बारे में पूछा, घर का हाल जाना और गरीबों के मुद्दों पर बात की। जूते चप्पलों की मरम्मत कैसे की जाती है ये भी राहुल ने रामचेत से वहाँ सीखा। राहुल गांधी ने कुछ जूते चप्पलों की सिलाई भी की। इस दौरान रामचेत समेत आसपास मौजूद स्थानीय लोगों को भी यकीन नहीं हो रहा था कि राहुल गांधी वहाँ पर आए हैं। रामचेत की दुकान पर देखते ही देखते भीड़ इकट्ठा हो गई। स्थानीय व्यक्ति कमलेश कुमार ने बताया कि राहुल गांधी ने लोगों को आश्वासन भी दिया है। उन्होंने कहा है कि गरीबों की समस्या, रोजगार और हुनर को अहमियत देने का मुद्दा राहुल गांधी संसद में उठाएंगे, ऐसा वो आश्वासन देकर गए हैं। इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी शेख नावेद। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।